सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल की तरफ से मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा पांचवी, पाठ 9 नीम। इस कविता की कवित्री हैं लता पंत जी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस कविता का परिचय देती हूँ। इस कविता में लता पंत जी ने नीम की आत्मकथा का वर्णन किया है। नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। यह कई तरह से उपयोगी है। इस सुंदर कविता के माध्यम से कवित्री हमें नीम की उपयोगिताओं के बारे में बता रही हैं। नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। बच्चों, इन चार पंक्तियों में नीम का पेड़ बोल रहा है कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं ओझा, ओझा मतलब बच्चों जो झाड़ फूँक करते हैं, और ना मैं वैद्य हकीम हूँ, वैद्य हकीम मतलब देसी इलाज करने वाले, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हूँ और ना मैं हकीम हूँ, मैं तो सिर्फ एक केवल पेड़ हूँ और नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो बच्चों, अगली चार पंक्तियों में कवित्री ने नीम के पेड़ के बारे में बताया है कि यदि नीम की सूखी पत्ती हम ऊनी कपड़े और अनाज में डालते हैं तो ऊनी कपड़ों में से दुर्गंध नहीं आती, अनाज में कीड़े नहीं पड़ते, और यदि हम नीम की सूखी पत्तियों को जला के उसका धुआं करते हैं तो जो मक्खी मच्छर होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। इन पंक्तियों में नीम का पेड़ कह रहा है कि मेरे पेड़ की जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा घनी हैं और जो मेरी छाया है वो बहुत शीतल है, शीतल मतलब बच्चों ठंडी, और जो भी व्यक्ति गर्मी में थक कर मेरे पेड़ के नीचे आता है मैं उसकी थकान और गर्मी को दूर कर देता हूँ। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो बच्चों, इन पंक्तियों में नीम का पेड़ हमसे ये कहना चाह रहा है कि आप मुझको नहीं काटना, मैं आपको इतने सारे सुख देता हूँ, और सूरज की किरणों से मैं मिलकर हवा में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको शुद्ध कर देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। इन पंक्तियों में नीम का पेड़ कह रहा है कि जब तक सूरज तारे धरती चांद इस दुनिया में हैं, जब तक इनकी कहानी चलती रहेगी तब तक मैं इस पृथ्वी पर लोगों को सुख देता रहूँगा। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का सारांश यानी समरी बता देती हूँ, इससे आपको कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी। इस कविता में जो हमारी कवित्री हैं लता पंत जी, उन्होंने नीम की आत्मकथा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो नीम का पत्ता है वो एक औषधि है, औषधि मतलब दवाई है, इससे तरह तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, और नीम की जब हम सूखी पत्ती ऊनी कपड़ों और अनाज में रख देते हैं तो उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, नीम की पत्ती का धुआं करने से मक्खी मच्छर
भाग जाते हैं। इस तरह से नीम का पेड़ बहुत ही लाभदायक है। इसके कारण हवा भी शुद्ध होती है और नीम का पेड़ गर्मी से थके लोगों को आराम पहुंचाता है। इस कविता में कवित्री ने नीम के महत्व को समझाया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।